गुड मॉर्निंग गाइस, आज की मॉर्निंग बहुत प्रोडक्टिव थी। ये देखो, सुबह से काम चल रहा है। सुबह से एक शॉर्ट रील बना रहा हूँ, ठीक है। वो रील है अबाउट फैट, जो लोगों की गलतियाँ रहती हैं, किस वजह से वो फैट गेन कर लेते हैं। एक छोटा सा कॉमेडी प्ले टाइप का है। ये शायद डल चुका होगा जब आप ये मेरा व्लॉग आप पहले देखोगे। नहीं, ये तो मैं आज ही डाल दूंगा। व्लॉग आप ये शायद परसों देखोगे, ठीक है। तो यही चीज है आज जो सुबह से चल रही है। आज सुबह उठ मैं जल्दी गया था। आज कार्डियो नहीं हुआ है क्योंकि मुझे मेरे नीज को थोड़ा सा आज देखना है। जब कार्डियो मैं करता हूँ ना, इलेप्टिकल करता हूँ, तो नीज पे भी रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और वो मैं नहीं चाह रहा हूँ। बिकॉज आज लेग डे है और लेग डे में मैं अपना 100% देना चाहता हूँ। तो किसी भी तरीके की दूसरी फिजिकल एक्टिविटी आज नहीं करूंगा क्योंकि आज लेग डे में काफी ज्यादा जान लगने वाली है। इसको फटाक से एडिट करके डालता हूँ, उसके बाद कुछ खाता हूँ और फिर मिलते हैं सीधे जिम में। हेलो हेलो हेलो, हाय गाइस, सो वी आर जिम रेडी। थोड़ा सा फोकस आज ज्यादा चाहिए, इसलिए टोपा डाल के मैं अपने लेग्स को एग्जीक्यूट करूंगा, लेग्स वर्कआउट को एग्जीक्यूट करूंगा, लेग्स को एग्जीक्यूट करूंगा। दूसरी चीज ये कि नी बैंड्स, क्या बोलते हैं उसको यार, नी स्ट्रैप, नी बैंड्स, हर बार भूल जाता हूँ, मैं याद करता हूँ, वो मैंने बांध लिए हैं इधर बढ़िया तरीके से। और इसके लिए मैंने फ्लॉस बैंड्स भी मंगवाए हैं रोक के। इसको बांध के रखो तो रिकवरी जल्दी होती है। बेसिकली वो क्या करता है, आपके इधर घुटनों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा मतलब ब्लड में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि मतलब जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, जहाँ पेन हो रहा है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं वहाँ ज्यादा, जिस वजह से रिकवरी जल्दी हो रही। तो ऐसा कुछ सिस्टम रहता है, ऐसा ही होता है, सिस्टम क्या रहता है। तो हम अब अपने नी की सोरनेस से, नी के पेन से जल्दी रिकवर हो पाएंगे, तो हम अपने जल्दी और ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपने क्वाड्स को हिट कर पाएंगे, ये इसका फायदा है। तो लेट्स गो, मैं ऐसे हेलोवीन का जोकर लग रहा हूँ, भूत। चलो अब चलते हैं जिम और आगे की बातें वहीं करेंगे। वो मेरा दोस्त पहुंच गया होगा, वो खा जाएगा मेरे को, नहीं तो। एक प्राणी है यहाँ लेटा है, हमारा छोटा भाई। ब्रो यू आर ऑन कैमरा, उठ जा भाई, उठ जा, कुछ काम धाम कर, चल के जाके काम धाम कर, कुछ ढोकले खा के लेटा है। क्या कह रहा है, आइस क्यूब मिल जाती है? विस्की पी रहा है क्या तू साले? आइस क्यूब मिल जाती है, पहले कैसे पीते थे यार। लेकिन अपन कैसे पहले दारू कैसे पीते थे अपन, दबा के भी पीता है, उसमें क्या है। चूतियों ऐसी बातें मत कर, उन लोगों को सच में लग जाएगा मैं पीने लग जाऊँ फिर। मैं हूँ बेवड़ा, ये नहीं, मैंने छोड़ दी गाइस परमानेंटली। गोवा जाके जो इंसान नहीं पी रहा है वो अभी क्या पिएगा, पचती नहीं है। सच बात है, दारू नहीं पचती हर किसी से, और पच भी जा रही है तो कोई जरूरी नहीं है पीना। उसके दूसरे साइड इफेक्ट भी है, अपार्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव इशू दूसरी चीजें भी हैं, जैसे ऐसा हो जाना। चलो एक्सरसाइज चालू करते हैं फिर बात करते हैं। मैं लेग प्रेस में आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब अपना सेट स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट करने से पहले एकदम लाइट सेट से, लाइट वेट से अपने एंड रेंज को एक्सप्लोर करो, जैसे मैं करने जा रहा हूँ। दो प्लेट नहीं लेना है, आप सिंगल प्लेट या फिर पूरी खाली मशीन कर दो, लेग प्रेस खाली कर दो और एकदम डीपेस्ट रेंज जो जहाँ तक आप जा सकते हो वहाँ तक जाओ, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी, जब वेट बढ़ जाए तो अकॉर्डिंगली रेंज ऑफ मोशन कम कर दो। अभी देखो, कुछ लोगों की ये कंप्लेन रहती है या फिर मेरे वीडियो देखते हुए बोलते हैं कि आपका लोअर बैक मुड़ता है, थोड़ा बहुत जो बेंड आता है दैट इज टोटली नॉर्मल। वो उस तरीके का स्ट्रक्चर हमारा बना ही इसलिए है, थोड़ा बहुत बेंड होना है टोटली फाइन। वेट बहुत ज्यादा नहीं है और थोड़ा बहुत बेंड होना है टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हैवी वेट में मैं वही तो कह रहा हूँ, ये बेंड हो रहा है, थोड़ा बहुत वेट लाइट है तो एंड रेंज ऑफ मोशन एक्सप्लोर करो। हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से जब बैठते हैं तो भी ये मुड़ रहा है थोड़ा बहुत, तो क्या इंजरी हो जाएगी? नहीं होगी, और तब होगी जब वेट बहुत ज्यादा होगा और उस केस में आप इस तरीके से बैठ रहे हैं और लोअर बैक आपकी बेंड हो रही है। इसमें भी लोअर बैक आपकी बेंड हो रही है, ऊपर को उठ रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइट वेट में, तभी तो आप एंड रेंज ऑफ मोशन एक्सप्लोर कर पाओगे। जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है इस चीज को मेक श्योर करो थोड़ा भी बेंड ना। कम ऑन अक्षय, भी आज फुल हैवी लिफ्ट करने के मूड में, चल चल। 10 ही लगा रहा है, इसमें कितने आए? 10। सही है, 4 सेट, बढ़िया है। सेट टू, नो द फर्स्ट सेट वॉज अवर वार्म अप सेट, पहला सेट है। एम्प्टी योर माइंड बिफोर लिफ्टिंग वेट्स। नाइस सेट।
सो गाइस ये मेरा है चौथा नहीं अरे चौथा नहीं दूसरा सेट चार प्लेट चार प्लेट और सेट में कंफ्यूज हो गया ये मेरा दूसरा सेट है चार प्लेटों के साथ तीसरा सेट मारेंगे पूरा पांच प्लेट लगा लेंगे पांच इधर जो कि पिछली बार हमने लास्ट सेट लिया था और उसके बाद 2.5 किलो या 5 किलो का इंक्रीमेंट करेंगे बस देखो अभी यस 10 रेप आए और अभी भी 12 आ सकते थे 2 रेप छोड़ दिए क्योंकि थोड़ा सा आज हैवी जाना है और लास्ट टाइम हमने क्या किया था 5 प्लेट हमारा मैक्स था ठीक है लास्ट सेट 5 प्लेट का था फिर ड्रॉप लिया था इस बार वही जो लास्ट में हमने हैवी लिया था वो हमारा मेन सेट में काउंट होगा और उसके बाद भी हम इंक्रीमेंट करेंगे 5 किलो मतलब लास्ट टाइम से थोड़ा सा वेट बढ़ा के हम लास्ट सेट लेंगे और यही प्रोग्रेशन है लास्ट टाइम का जो सबसे हैवी था वो हमारा जो है चौथा सेट हो जाएगा उसके बाद 1 सेट और लेंगे थोड़ा सा वेट इंक्रीज करके वो 5वां सेट होगा उसके बाद ड्रॉप सेट लेंगे वो छाती बढ़ जाएगी भाई क्या हमारी 10 रेप आएगी आ गई तो ताली बजाएंगे भाई मैं तो ये नहीं कहूँगा एंड रेंज में आया लेकिन जितनी रेंज आई है बैडेस मज़ा आ गया अबे चालू तो करो ये मशीन में शोल्डर वाला बहुत तगड़ा है फॉर्म बाकी अपना तो सर ज़्यादा फ्री वेट में होता है काम छोटू गेट बंद कर दो अब आना नहीं ये फाइनल सेट है पिछली बार हमने 5 प्लेट से फाइनल सेट लिया था इस बार हमने 6 प्लेट कर दिया लेकिन 6ठी प्लेट 10 किलो की है मुझे कायदे से 5 किलो बढ़ाना चाहिए था लेकिन 6ठी प्लेट 10 किलो की है ज़्यादा से हमने वेट इंक्रीज किया है लेकिन हम नंबर ऑफ रेप्स 10 नहीं ले रहे हैं 6 या 5 या 6 करेंगे अक्षय सिंह रणावत जी हमारे यहाँ पे सहायक हमारे प्रिय मित्र हमको असिस्ट करेंगे और ड्रॉप सेट भी लगवाएंगे इसके बाद मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरे को ड्रॉप सेट लगवाना तू भाई चाहे जो हो जाए समझा चाहे जीऊँ या मरूँ ड्रॉप सेट तो होएगा चलो चल बेटे ऐसे बोल ऐसे जैसे मैंने बोला था ना चल बेटे चल बोलेगा ना तो ज्यादा जोश आता है तीन निकाल दो भाई बहुत आराम से आ गए मजे आ गए कोई आराम से नहीं आया भाई जान निकल गई है मतलब तो मैं अपनी सांसें कंट्रोल कर रहा हूँ तूने लगाना चालू कर चलो अब निकाल एक पांच और तेरी पांच चल लास्ट एक दो तीन चार ओ भाई तेरी 5 की ऐसी की तेजी साले मतलब फुट सीधा है ना चलो अब सी हाँ वो भी मोमेंट होगा सॉरी स्केप मालूम है ये भी लॉक हो जाता है मतलब ये लॉक नहीं हो रहा थोड़ा मुंह आगे पीछे एडजस्ट हो सकता है अच्छा
तो सर हमको थोड़ा सा नई मशीन में असिस्ट कर रहे थे, थैंक यू सर। और ये हिप थ्रस्ट की मशीन आई है जिम में नई, अभी इसको टेस्ट करते हैं। इसके बाद इसके 3 सेट लेंगे, इसके बाद 45 डिग्री हिप एक्सटेंशन भी लेंगे जहाँ पे थोड़ा बहुत लोअर बैक का एंगेजमेंट भी होगा। इसमें भी हो रहा है वो तो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी होती है भाई, सही में कम वेट है लेकिन मज़ा आ रहा है। इसी वेट से लेना भाई 12 से ऊपर के रेप, मज़ा आ जाएगा। 25 किलो ही है, बहुत सही। ऊपर पॉज दे, सही है। डेडलिफ्ट इंप्रूव हो जाएगी इससे तेरी, पॉज दे ऊपर। तो इस एक्सरसाइज में आपको ऊपर जाके पॉज देना है, पॉज दे बे, स्क्वीज होता है इससे आपका मसल TUT बढ़ता है, बेसिकली ग्लूट्स, ठीक है। और उसी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जितना ज़्यादा TUT बढ़ेगा, जितना अच्छे से मसल आपका स्क्वीज होगा उस पर, उतना अच्छा स्टिमुलस आएगा। दैट्स इट, दैट्स इट। अबे दैट्स इट क्या, और देना 3 रैप और कर क्या, तो 3 रैप। बहुत भयंकर एक्सरसाइज हो रही, बहुत भयंकर। पचास किलो फील्स लाइक 80 व्हेन यू आर डूइंग इट स्लो। कम ऑन, चल चल, नाइस। चल एक और, एक और, एक और, एक और, ये नाइस। ड्रॉप भी ले लेते हैं, ड्रॉप से ड्रॉप सेट लेना बहुत टफ हो जाता, बहुत टफ। अगर आप सही से ड्रॉप सेट ले रहे हो ना, असली ग्रोथ उसी लाइट वेट वाले ड्रॉप सेट में। आज जो
हमने अपने हैमस्ट्रिंग की बजाई है ना, पहली चीज तो अभी ये जो 45 डिग्री हिप एक्सटेंशन लिया उसमें भी हैमस्ट्रिंग का इन्वॉल्वमेंट था, अलग से इस मशीन का स्टिमुलस, मशीन मतलब स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब ज्यादा मैकेनिकलेशन, ज्यादा मैकेनिकलेशन मतलब ज्यादा स्टिमुलस, समझ गए हो ना, पूरी हायरार्की समझ रहे हो ना, क्रोनोलॉजी हायरार्की क्या कह रहा हूँ, उल्टा सीधा बोल रहा हूँ यार, चल छोड़ अब नहीं बोलते, करते हैं सीधा। अक्षय लाइट वेट से बेटा, लाइट वेट से करेंगे, बहुत बहुत खतरनाक स्टिमुलस आ रहा है, आ जा कर, नहीं भेज दूंगा। प्रोटीन फिर लेना बंद करूं क्या करूं? प्रोटीन लेना भाई, प्रोटीन तो लेना है ना, प्रोटीन के साथ उसको, प्रोटीन रहेगा उसमें, वे प्रोटीन रहेगा उसमें। अच्छा ओके, हाँ आ जाना फ्री होके, मिलेंगे कहीं घुमाएंगे। हाँ भाई आता हूँ फ्री होके। अरे मेरी बात सुन, चल ठीक है, बात करनी है, रुक जा भाई। सिसोदिया इसको बाद में लगाना, ये टाइम खराब करेगा। मेरी बात सुन, मेरे को काम है। ये होता है फिटनेस में दोस्त है अगर तो, फ्री की डाइट है। हेलो एक काका जो सिंगर है भाई, कितनी प्यारी लाइन है, तू मेरे सबर दा मीठा मीठा फल है, तू रोज ही पके दी है, मतलब इसके चावल रोज तोड़ लू। ड्रॉप भाग के अंगल बदल, मेरा भाई कितनी मेहनत करता है, कौन कौन से एंगल से शॉट ले रहा है। इसमें पूरा स्टैक हमने कर लिया है, नंबर ऑफ रेप्स 8 लेंगे, ठीक है, एक हल्का सा पॉज भी देने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ऑलरेडी आज क्वाड्स को अच्छा खासा स्टिमुलस मिल गया है, और नी को प्रायोरिटाइज करते हुए हमने कोई एंड रेंज में भी जाने की कोशिश नहीं करी है, बट स्टिल एक पॉज देने की कोशिश करेंगे। तब भी हमारा मेन मकसद ये होना चाहिए, जब भी हम किसी मसल को ट्रेन कर रहे हैं, जो जो पॉसिबिलिटी है ना उसको सही तरीके से स्टिमुलस देने की, उन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करो। अब पॉसिबिलिटीज से मेरा मतलब इन सब चीजों को आप ध्यान में रखते हुए एक्सप्लोर करो कि हमारी जॉइंट हेल्थ सही है। अब ये नहीं कि पॉसिबिलिटी तो है पर नी में पेन हो रहा है तो आपने उसको खींच दिया, वो फिर वो ऐसे ही धीरे धीरे इंजरी के चांसेस बढ़ते, तुरंत नहीं होगी क्योंकि आपकी बॉडी इतना है, इतनी फ्लेक्सिबल है, इतना अडेप्ट कर लेगी ना, ओवर द पीरियड आदत बनती जाएगी ना, चीजें स्टिफ होती जाएंगी और आपको एकदम से कड़ाक से इंजरी होगी। एकदम से देखते हो ना पावर लिफ्टर को, बॉडी बिल्डर को, वो मार रहे हैं एकदम से उनका ये ब्रेक हो गया, कोई सा मसल टियर हो गया, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, उन मल्टीपल रीजन में से ये एक रीजन भी हो सकता है। तो यस ड्रॉप
छोटा मसल है पर यहाँ पे मैं कहूँ तो स्लो ट्विच मसल फाइबर ज़्यादा है, इसलिए तो थोड़ा सा हायर रेंज में ट्रेन करना पड़ता है, जल्दी स्टिमुलस नहीं आता है। जब नहीं आया स्टिमुलस तो TUT बढ़ा दो, मतलब ऐसे खींच के थोड़ा पॉज दो और फिर छोड़ो, तो फिर जल्दी आने लगता है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं शेयर करता रहता हूँ आपके साथ बीच में, और उसको मैं अप्लाई भी कर रहा हूँ और मुझे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। अभी शायद उतनी अथॉरिटी नहीं है मेरी, क्योंकि उतना खतरनाक मसल मास नहीं है मेरा, लेकिन वहाँ पे भी पहुँच जाऊँगा तब सेम बात बोलूँगा, तब ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे शायद। बट स्टिल जो लोग सच में चाहते हैं कि रिजल्ट्स जल्दी मिले, तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड अप करना चालू कर दो। ऑब्लिक्स अगर आपको सही करने ना अपने, ये करो, अपने एब्स भी सही करने ना ये करो, आपके एब्स भी इंगेज हो रहे हैं, ये नहीं कह सकते हम कि ऑब्लिक्स पूरी तरीके से आइसोलेट हो रहे हैं। हमारी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में कभी भी कोई भी एक्सरसाइज आइसोलेशन नहीं है पूरी तरीके से, कोई भी एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंपाउंड नहीं है। नो, आई एम टेकिंग माई लास्ट सेंटेंस बैक, सारी एक्सरसाइजेस कंपाउंड है, कोई भी एक्सरसाइज पूरी तरीके से आइसोलेशन नहीं है। चलदा चालनी कुवानी मैंने नया तरीका ढूंढ लिया, इसमें फिसलता था मैं, पहले मैं हाथ ऐसे रखता था, हाथ से भी ग्रिप बनाओ और फिर करो, ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, और इसको यहाँ रख लो, आ हा हा मज़े आ गए। ड्रॉप भी ले लेते, ये एकदम से ये रोटेशन मसल फाइबर है ना, ये एकदम से भरते हैं, एकदम से ऐसा लगता है सोए रहेंगे लगातार स्टिमुलस पड़ रहा है एकदम से अब नहीं होएगा, चल रखते हैं एकदम से। ड्रॉप ओ भाई बस खत्म, मामले हो गए, काफ रेसेस ले लेते हैं अब। इसमें एक भाई बोल रहा था भैया आप यहाँ खड़े हो जाए बीच में, बोल रहा था भैया आपका पैर स्लिप हो गया तो चोट लग सकती है। नहीं भाई, रेजिस्टेंस और फोर्स और ये सब चीज़ें कुछ होती हैं, इसीलिए बैलेंस और स्टेबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि कंटिन्यूसली ऊपर से फोर्स पड़ रहा है। हाँ, जूते में ग्रिप कम है और यहाँ बहुत ज़्यादा, अगर स्लिपरी है तो बिल्कुल, यहाँ तेल थोड़ी डाला है, ये भी ग्रिप है अपने आप में, जूते में भी ग्रिप है। ओ भाई ऐसे मत किया करो सर, काम की मशीनें लाया करो। अरे यार ये ऐसी बातें कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं 3 लाख की मशीन है, मतलब वो भाई बोलता कि ये मेरे को बता देते, लोहा मंडी में बनवा देते। हाय गाइस, हो गया है यहाँ पे वर्कआउट खत्म, वर्कआउट की समाप्त, आखिरी में कुछ ज़रूरी बातें। देखो आपकी जो जॉइंट की हेल्थ है और आपकी जो मसल्स की रिकवरी है,
वो इस पे भी निर्भर करती है कि अब थोड़ा सा न्यूट्रिशन की बातें कर रहा हूँ कि आप दिन भर में कितना हाइड्रेटेड रहते हो, आपकी स्किन की क्वालिटी इस पे भी डिपेंड करती है कि आप कितना हाइड्रेटेड रहते हो। बालों की क्वालिटी देखो, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे 50% समस्या ना कम पानी पीने की वजह से भी आती है। लोगों को गट इशू हो रहे हैं, लोगों को ब्लोटिंग हो रही है, लोग प्रोटीन ज़्यादा खा ले रहे हैं, एक एक 180 ग्राम के आसपास प्रोटीन खा ले रहे हैं और उनको गट इशू हो रहे हैं। शायद 180 की रिक्वायरमेंट है लेकिन उनको गट इशू हो रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। इसके पीछे का रीज़न ये हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप उतना हाइड्रेटेड रह नहीं रहे, क्रिएटिन पे हैं, हम कम पानी पी रहे हैं। ये एक पॉपुलर स्टेटमेंट है कि क्रिएटिन पे हो तो खूब सारा पानी पियो। अब क्रिएटिन पे हो तो लोग ये सोच के ज़्यादा ज़्यादा पानी पीने लगते हैं, 4-4 लीटर 5-5 लीटर, कि भैया हम कम पानी पी रहे हैं, जबकि उनकी रिक्वायरमेंट शायद 3.5 लीटर की है। तो इसको चेक कैसे करेंगे? आपको सिर्फ हाइड्रेटेड रहना है, आपको ना ही ओवर करना है ना ही अंडर करना है। अंडर करोगे तो हीट बनेगी बॉडी में, एक्ने वेक्ने प्रॉब्लम आएगी, रिकवरी नहीं होगी, जॉइंट में पेन होगा, जो कि दूसरे भी रीज़न हो सकते हैं, अभी उस पर बात नहीं करेंगे। हाँ, तो रिकवरी नहीं होगी, जॉइंट पे पेन होगा, और ज़्यादा पीने लगोगे तो भी पानी ज़्यादा पीने की वजह से भी आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो जस्ट हाइड्रेटेड हो, पता कैसे चलेगा? आपका जो पी है वो पीला नहीं होना चाहिए। ये एक मेरे हिसाब से एक मापदंड है, एक स्टैंडर्ड है, जिससे आप पता कर सकते हो कि हाँ भाई, यू आर हाइड्रेटेड इनफ। और फ्रूट्स खाओ, जो सीजनल फ्रूट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, दैट्स इट। तो वर्कआउट यहीं पे ख़त्म। अब प्रायोरिटाइज करेंगे न्यूट्रिशन, रेस्ट, ज़रूरी सप्लीमेंट्स एंड रिकवरी। बूम, परसों फिर से हम अपने अपर बॉडी के लिए तैयार हो जाएंगे। तब तक के लिए टाटा। मैंने क्या बोला? परसों फिर से अपर बॉडी, लोअर बॉडी के लिए, सॉरी, कल अपर बॉडी, परसों लोअर बॉडी, टाटा। अभी आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, मेरा पोस्ट वर्कआउट डेजर्ट, ये देखो। इसमें है 2 स्कूप एज इट इज वे आइसोलेट एटम गोल्ड, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म, चॉकलेट फ्लेवर, वो है बेल्जियन चॉकलेट। 1 स्कूप क्रिएटिन है और 1.5 किला है। अब यहाँ पे आपको सिंपल कार्ब मिल गया, यहाँ पे आपको मिल गया क्रिएटिन और यहाँ पे आपको मिल गया प्रोटीन। बहुत स्पीड से आपकी बॉडी में ये चीज़ अब्सॉर्ब होती है। क्रिएटिन पोस्ट वर्कआउट लेने का एक स्लाइट सा एडवांटेज आपको मिलता है, इस पर स्टडीज़ भी हमारे पास, कि जल्दी आपकी बॉडी में जाके, वैसे तो इसका सैचुरेशन पीरियड हिट होने के बाद ही अच्छे से रिजल्ट शो करता है, लेकिन वर्कआउट के बाद आपका जो मसल सिंथेसिस है ये ऊपर जाता है तुरंत बाद आप लेते हो तो। दूसरी चीज़ ये कि इस डेजर्ट के साथ मैं खाऊंगा घर का बना खाना, चावल, राजमे की सब्जी, दाल और उसके साथ थोड़ा सा सलाद, जस्ट टू कम्प्लीट माई फाइबर। ये इसलिए ज़्यादा खा रहा हूँ क्योंकि लेग प्रेस में आज अभी भी मेरे क्वाड्स झन्ना रहे हैं। ठीक है, इनकी रिकवरी ज़रूरी है, नहीं तो अगले परसों जो हमारा सेशन है उसको मैं सही से कर नहीं पाऊँगा। चलो इसको खाता हूँ, उसको खा के मैं यहाँ सो जाऊँगा, बस पढ़ने वाला हूँ मैं, क्लाइंट साइंस के काम बाद में करूँगा। खाना खाना खाना। मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया, जो क्रिया प्योर टेस्टेड क्रिएटिन है वही लो। मार्केट में आजकल कंपनीज क्या कर रही है पता है? अपने क्रिएटिन में एनाबॉलिक स्टेरॉइड मिला ले दे रही, एकदम कम से डोसेज में। उससे क्या हो रहा है, लोगों को रिजल्ट बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है ये क्रिएटिन कितना बढ़िया यार, अब तो यही क्रिएटिन लेंगे। तो ऐसे में कंपनी का फायदा हो रहा है, वही क्रिएटिन आप बार बार लेते हो। मेक श्योर जो भी क्रिएटिन ले रहा हो या तो थर्ड पार्टी टेस्टेड जैसे लैबडोर सर्टिफाइड हो या फिर क्रिया प्योर टेस्टेड हो तो ही उसको खरीदो, अदरवाइज मत खरीदो। इस ब्रांडिंग में इस चीज़ को टेस्ट करो, उस पर देखो उस पर क्रिया प्योर लिखा है या फिर उस पर लैबडोर लिखा है कि नहीं, अदरवाइज मत लो। एज इट इज़ दोनों ही है, क्रिया प्योर टेस्टेड भी है, लैबडोर सर्टिफाइड भी है, तो इसका आप क्रिएटिन ले सकते हो। मैं भी इसका ही ले रहा हूँ, बढ़िया है। नहीं तो अगर नहीं लेना है एज इट इज़ का, तो जिस भी ब्रांड का आप ले रहे हो जस्ट मेक श्योर उस पर ये चीज़ लिखी हो, लैबडोर या फिर क्रिया प्योर टेस्टेड। धन्यवाद, खाने दो।